नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। नालंदा में वज्रपात में मां बेटी और अन्य चार की मौत हुई। मुकेश अंबानी पर मुजफ्फरपुर के ग्राहक ने केस कर दिया है, मुकदमा विवेक कुमार ने किया है। बिना सूचना के इनके सिम को जियो ने बंद कर दिया है। जियो कंपनी और मालिक के खिलाफ 10 लाख से ज्यादा का हर्जाना मांगा गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने मुकेश अंबानी को नोटिस भेजा है, उन्हें 29 अक्टूबर को सशरीर हाजिर होने को कहा गया है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में जाएंगे, बिहार के 2 सीटों पर चुनाव होंगे। 3 सितंबर को राज्यसभा का चुनाव है। मीसा भारती ने और विवेक ठाकुर ने राज्यसभा सीट छोड़ी है। जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना तय कर रखा है। यदि वोटिंग की नौबत आई तो 3 सितंबर को चुनाव होगा। नामजदगी का पर्चा 14 अगस्त से भरा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से हार गए थे। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए नकली उत्तर पुस्तिका बाजार में है, इसे ऊंची कीमत में बेचा जा रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा बुधवार को शुरू हुई है। परीक्षा को पास कराने के लिए दलाल लग गए हैं। बाजार में खुलेआम उत्तर पुस्तिका की चर्चा है। पुलिस ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की है। यह फर्जी प्रश्न पत्रों का जवाब देता है, यानी नकली उत्तर पुस्तिका बेची जा रही है। कैमूर से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 9 लाख रुपए की कीमत वसूल कर वह परीक्षा पास कराने का ठेका लेता था। ऐसा लगता है कि परीक्षा पास करने की सबसे अच्छी विधि भ्रष्टाचार को ही बनाने में लगे हैं। लाखों अभ्यर्थियों में से कुछ को चुनने की यही सीमा बन रही है। परीक्षा का मतलब सॉल्वर गिरोह और पेपर लीक बनाना किसी समाज की चिंता का विषय है। ओलंपिक में विघ्नेश फोगाट को लेकर चिंताजनक खबरें आ रही हैं। वो डिहाइड्रेशन की शिकार हो गई हैं। फोगाट को जब वजन बढ़ने का अंदाजा हुआ तो सुबह की जांच के पहले पूरी रात मेहनत करती रही। उसने पानी तक नहीं पिया। अब पेरिस के अस्पताल में उन्हें भर्ती कर लिया गया है। पीटी उषा के साथ उनकी तस्वीर अस्पताल से जारी की गई है। दिनदहाड़े अपराधियों ने जदयू लीडर की हत्या कर दी है। धना में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष वैभव राय को दाढ़ी बनाते हुए सैलून में घुसकर गोली मार दी गई। सर में गोली लगने से वैभव राय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वैभव राय भितिहरवा के मुखिया भी थे। हिंसा की घटना कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, तो हम लोग का कानून और हम लोग का जो आउटलुक है, हम लोग की जो बातें हैं कि जो भी अगर हिंसात्मक घटना कहीं भी होती है वो अच्छी बात नहीं है। और कल ही माननीय मंत्री जी ने संबोधन किया था प्रेस को और कहा था कि हम लोग भी अपने बॉर्डर इत्यादि पर जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं, जो BSF वगैरह इत्यादि के पास से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, अन्य फोर्सेस जो हैं पैरामिलिट्री के, वो लोग अलर्ट रहेंगे और वो अंदरूनी मामला उस देश का। लेकिन हिंसा कहीं भी किसी भी देश में सही नहीं है। ऐसी अभी तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि या तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से या डायरेक्ट किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है कि कोई स्टूडेंट का मामला। देखिए, बिहार में लगातार हत्या तो हो ही रही है, हर तरह का मामला जो है सामने जो है आ रहा है। अभी भी देखा जाएगा कि जो रुपेश जी का जो इंडिगो में जो थे उनका भी जो हत्या हुई थी, अब पता चला है कि कोर्ट से जो भी आरोपी थे वो बरी हो गए। तो सवाल एक बड़ा खड़ा होता है कि आखिर हत्यारा कौन है। या तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ढंग से नहीं कर पाई है, या तो पक्ष अच्छे से नहीं रख पाई है। लेकिन कम से कम हम शुरू से भी बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस का भय अपराधियों के मन से हट चुका है। ना ये लोग पक्ष अच्छे से रख पाते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो पाता है। अपराधियों को पूरा नीतीश जी के राज में संरक्षण मिलता है और नीतीश जी का इकबाल जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम सब लोग बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, पूरी तरीके से सरकार जो है इस पर खामोश है, चुप्पी साधी हुई है और कहीं ना कहीं से अपराधियों को संरक्षण ये सरकार देने का प्रयास कर रही है। 15 अगस्त को हम लोगों ने कहा था कि 15 अगस्त के बाद हम लोग निकलेंगे, लेकिन डेट जो है, सूची जो है, जिस दिन तैयार हो जाएगा उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस पे पार्टी जो है इस पे मंथन कर रही है कि किस
क्या रूप रहेगा यात्रा का, कहाँ से कहाँ हम लोग यात्रा करेंगे और कब से करेंगे, तो इस पे जो है सारी बातें चल रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा YouTube पे बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, फेमस न्यूज़ के लिए धन्यवाद।